बात करेंगे खबरों में अब रशिया और यूक्रेन युद्ध की, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध से जारी संकट के बीच में भारत से अच्छी खबर आई है। अब जल्द ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल मॉस्को में पुतिन से मिलने जा सकते हैं, ये खबर मिल रही है। ये खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है ये भी सवाल है, और दुनिया क्यों मान रही है और ये मानकर चल रही है कि अब इस भीषण युद्ध का खात्मा हो ही जाएगा। क्यों अजित डोभाल का 100% स्ट्राइक रेट रशिया और यूक्रेन की भयावह हो चुकी जंग को रोकने में एक कामयाब हो सकता है। अब पीएम नरेंद्र मोदी ने संकट मोचक रूस और यूक्रेन का रुख करने वाले, इसलिए अब शर्तिया कहा जा सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी ही दुनिया के वो लीडर हैं जो कि इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। पहले खबर समझ लीजिए, खबर क्या है, ये आ रही है कि रशिया यूक्रेन जंग रुकवा सकता है भारत। ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में अहम भूमिका भारत निभा सकता है, तो ये कहा जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इकलौते ऐसे लीडर हैं जो कि रशिया और यूक्रेन के साथ में, दोनों के साथ में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं। ऐसे में रूस और यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में अहम भूमिका भारत निभा सकता है। इसी से ना केवल रूस और यूक्रेन को उम्मीद है बल्कि पूरे विश्व को उम्मीद है, दुनिया के देशों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खासा उम्मीदें इस वक्त है युद्ध को रुकवाने के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी की शांति की पहल अगले दौर में पहुंची है और आने वाले समय में आगे और बढ़ती हुई नजर आएगी। रूस और यूक्रेन के संघर्ष के बीच में डोभाल मॉस्को का दौरा कर सकते हैं, रशिया जा सकते हैं और दोनों देशों को एक साथ लाने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। पुतिन से अजित डोभाल मुलाकात करेंगे और यह भी कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते यह मुलाकात हो सकती है। कुछ दिन पहले पुतिन से मोदी ने मुलाकात करी थी और उससे 6 हफ्ते पहले रशिया जाकर पुतिन सबसे पहले मुलाकात करी और कुछ ही दिन पहले जेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात करी थी यूक्रेन में जाकर। पीएम नरेंद्र मोदी ने कही थी अजित डोभाल के आने की बात, और देखिए पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद में पुतिन मध्यस्थता के लिए तैयार भी हो गए हैं, ऐसा लग रहा है उनकी बातों से। जाहिर तौर पर तमाम जो देश हैं उनकी नजरें भारत पर टिकी हैं, भारत चीन और ब्राजील ही करेंगे मध्यस्थता। पुतिन ने यह बात कही थी कि भारत हुआ, चीन हुआ या फिर ब्राजील हुआ, ये वो देश है जो कि यहां पर मध्यस्थता की बात कर सकते हैं। मैं तो समझता हूं इस बारे में कि उनसे अच्छा कोई इस बारे में भूमिका तैयार करवाने वाला हो नहीं सकता, जिनका कि एक अपना पुराना एक्सपीरियंस भी है, अनुभव भी है और हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। जैसा कि अभी पुतिन जी ने खुद ही कहा है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई भारत को और चाइना और ब्राज़ील को चाहता हूं कि हमारे देश की जो लड़ाइयां चल रही हैं यूक्रेन और रशिया की, उसमें वो मध्यस्थता करें। मैं समझता हूं एक बड़ा अच्छा सुझाव है कि जो हमारे देश के रक्षा सलाहकार पहले ही वहां पर पहुंचकर उसको भूमिका तैयार करेंगे, देखेंगे, बातचीत करेंगे और आके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को पूरी ब्रीफ करेंगे और उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वहां पर उनकी सलाह ली जाएगी और उनके बारे में सोचेंगे और जाके अपना वक्तव्य देंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में कहा था कि वो शांति के खिलाफ नहीं है, वो संघर्ष को खत्म करने के लिए ब्राजील, चीन और भारत को संभावित मध्यस्थता के रूप में देखते हैं। अब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी यही बात कही थी, उन्होंने भारत को संभावित वार्ताकार के रूप में समर्थन दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रशिया और यूक्रेन के बीच में जारी तनाव के शांतिपूर्ण समाधान की पैरवी करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर दोहराया है कि भारत इसके लिए जरूरी हर पहल करने को तैयार है। पीएम नरेंद्र मोदी ही नहीं, रूस और यूक्रेन भी इस बात को मानते हैं कि भारत इस युद्ध को कूटनीतिक तरीके से समाप्त करवा सकता है, ये उम्मीद है। अब जेलेंस्की ने हाल ही में यही बात दोहराई थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों का अलग अलग समय में दौरा भी किया था। अब यह उम्मीद की जाने लगी है कि पीएम नरेंद्र मोदी ही एकमात्र ग्लोबल लीडर हैं ऐसे जो कि रशिया और यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की ताकत रखते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इस तरह से समझिए। अब आप तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर पीएम नरेंद्र मोदी के इसी साल 9 जुलाई की है जब वो मॉस्को के दौरे पर पहुंचे 9 जुलाई को, और दूसरी तस्वीर 23 अगस्त की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल फिलहाल में यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे थे। रूस दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पुतिन से एक दोस्त के नाते इस जंग को लेकर शांति संदेश की बात की, तो वहीं यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन दौरे पर भी जेलेंस्की से बातचीत के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो शांति का संदेश लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों देशों का दौरा करके शांति प्रयासों में सबसे आगे रहे हैं। अब जुलाई में रूस की अपनी यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपना संदेश दोहराया था कि ये युद्ध का युग नहीं है। हाल ही में उन्होंने कीव का दौरा किया, यूक्रेन का दौरा किया और राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने शांति के लिए भारत के संकल्प को दोहराया। ये दो तस्वीरें दर्शाती हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी रशिया और यूक्रेन दोनों के साथ में एक ऐसा बॉन्ड शेयर करते हैं, एक ऐसा रिश्ता
साझा करते हैं जो कि किसी भी अन्य देश का रशिया और यूक्रेन दोनों के साथ में एक साथ नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 27 अगस्त को राष्ट्रपति पुतिन के साथ में टेलीफोन पर बातचीत की थी। सूत्रों ने बताया कि दोनों नेताओं ने इस कॉल के दौरान चर्चा की भारत और यूक्रेन में हमेशा के लिए शांति लाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे भरोसेमंद शख्स एनएसए अजित डोभाल को मॉस्को भेजेंगे। ये बातचीत दोनों के बीच में हुई है, सोर्सेज बता रहे हैं। रशिया और यूक्रेन की जो वार है ये समाप्त होना चाहिए, ये हमारे रीजन के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए शांति का एक अच्छा प्रतीक होगा, जो हमारा भारत चाहता है। हमेशा शांति का द्योतक रहा है, उसने हमेशा ही शांति की पहल की है और कभी भी उन्होंने लड़ाई में विश्वास नहीं किया है। इसीलिए उनकी जो पहल थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, जिसके लिए वो अभी गए थे, सबसे पहले रशिया गए, उसके बाद यूक्रेन गए और दोनों के देश के राष्ट्रपतियों से बात की और पूरा समझा सोचा। रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत के शांतिदूत बनने की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरकार अजित डोभाल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए इतने महत्वपूर्ण कैसे हैं, और जब जब पीएम नरेंद्र मोदी को महत्वपूर्ण फैसले लेने होते हैं संकट मोचन के रूप में ही क्यों अजित डोभाल का नाम सामने आता है। अगर अजित डोभाल के पिछले 10 साल के काम को हम सब देखें तो उनका सक्सेस रेट 100% रहा है। क्या क्या काम उन्होंने इन 10 सालों में किया है पहले वो जान लीजिए, जिसमें कहा जाता है कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को कभी निराश नहीं किया है। अजित डोभाल के 10 साल के सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में अब हम बात करते हैं और आपको बताते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट 100% क्यों कहा जाता है। तो उनका सर्जिकल स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है। 10 साल में उन्होंने जो जो काम किए उनमें से एक भी काम ऐसा नहीं रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाराज हुए। धारा 370 को जब एब्रोगेट किया गया था 2019 में, तब भी उनका एक अहम योगदान रहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसीलिए वो बहुत करीबी कही जाते हैं। घाटी में आतंकियों का सफाया जब जब हुआ है उसमें एनएसए अजित डोभाल की एक अहम भूमिका रही है, इसलिए भी कहा जाता है कि वो बहुत क्लोज हैं। इस बीच डोकलाम विवाद जब हुआ था उसको लेकर, उस विवाद को सुलझाने में अजित डोभाल का एक अहम योगदान रहा, उसके ऊपर जब जब चर्चा हुई। इस बीच IMEC यानी कि IMEC का जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको लेकर भी अजित डोभाल का एक अहम योगदान रहा है। ICET को लेकर भी अजित डोभाल एक अहम योगदान देते आए हैं। तो 10 साल के टेन्योर में अजित डोभाल ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी अजित डोभाल कहे जाते हैं। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजित डोभाल के ऊपर ही यहां पर भरोसा जताया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि एक बार फिर से अजित डोभाल को यहां पर भेजा जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संकट मोचक अजित डोभाल को ही इस बार भी भेजने का फैसला यहां पर किया है। तो देखिए फिलहाल रूस और यूक्रेन की युद्ध 2 साल से ज्यादा समय से चल रहा है। फरवरी के महीने में 2024 आज से 2 साल पहले, फरवरी का महीना 24 की तारीख और 2 साल पहले का वो समय 2022 जब दोनों के बीच में युद्ध का आगाज होता है, रशिया के द्वारा स्ट्राइक की जाती है और बमबारी की जाती है और तब से लेकर आज तक का समय जब तक ये जंग रुकी नहीं है, ना ही रशिया झुकने को तैयार है और ना ही यूक्रेन मानने को तैयार है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है दोनों देशों के बीच में कि कई सारी कंट्रीज प्रॉक्सी वॉर के लिए भी सामने उतर आई हैं और इसी वजह से फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर पूरे विश्व की नजरें हैं कि इस युद्ध को रोका जा सकता है। हाल फिलहाल की बात की जाए तो यूक्रेन के द्वारा स्ट्राइक की गई, बमबारी की गई और कुर्स्क इलाका जो कि रशिया का है उसको कैप्चर कर लिया गया। अब कुर्स्क को छुड़ाने के लिए पुतिन के ऊपर ये कहा जा रहा है कि हो सकता है छोटे इलाके में पुतिन न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं, जो कि एक चिंताजनक स्थिति उत्पन्न कर सकता है। डोनबास और डोनेस्क जैसे इलाके जो कि यूक्रेन के इलाके हैं उसके ऊपर रशिया का कब्जा है। तो देखिए समझने वाली बात यह है कि दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर आक्रामक हमले लगातार करते आ रहे हैं। दोनों ही देशों ने एक दूसरे की टेरिटरी में घुसकर एक दूसरे के इलाकों को इस वक्त मौजूदा वक्त में कब्जा रखा है। ऐसे में स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है और अगर कोई बड़ा लीडर बैठता है दोनों के बीच में और इसको सुलझाता है तभी कुछ बात बन सकती है, वरना स्थिति को नियंत्रण में लाना और दोनों देशों के बीच में इस सुलगती हुई आग को बुझाना एक बड़ा चैलेंज सभी के लिए बना हुआ है। तो देखिए अजित डोभाल 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो में शामिल हुए थे। अपनी 46 साल की सर्विसेज में उन्होंने सिर्फ 7 साल ही पुलिस की वर्दी पहनी, क्योंकि डोभाल का ज्यादातर समय देश के खुफिया विभाग में बीता है। अब इसलिए डोभाल का करियर भी उतना ही करिश्माई रहा है जितना कि पहली नजर में वो सामान्य नजर आते हैं।
और इस बीच मोदी की प्रायोरिटी लिस्ट में अजीत डोभाल का नाम हमेशा से रहा है। साल 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं और इस बीच अपॉइंटमेंट डोभाल का किया गया उसी दौरान 2014 में जब प्रधानमंत्री बतौर पीएम पहली बार शपथ लेते हैं। 2024 में 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी। 10 जून से अजीत डोभाल का तीसरा टर्म वहां पर शुरू हुआ था। इस बीच अजीत डोभाल की भूमिका कितनी अहम रही है इसके बारे में तो हम आपको बता ही रहे हैं। चाहे 370 हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर डोकलाम हो या कूटनीतिक फैसले लेना हो, डोभाल देश की उम्मीदों पर हमेशा खरे उतरे हैं। उनका 100% स्ट्राइक रेट रहा है। पुलवामा का बदला हो जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा, वो भी अजीत डोभाल के नेतृत्व में ही लिया गया था। पुलवामा हमले के एक पखवाड़े के भीतर पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को खत्म करने की वायुसेना की रणनीति राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व में ही तैयार हुई थी। वायुसेना और नौसेना के शीर्ष अधिकारियों से रणनीति पर चर्चा करने से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर पल की जानकारी देने तक अजीत डोभाल ने हमेशा एक अहम भूमिका निभाई है। अजीत डोभाल का 100% सक्सेस रेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहली सर्जिकल स्ट्राइक मोदी की 2.0 धारा 370 को हटाना, टेन्योर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा हो, धारा 370 को 2019 में एब्रोगेट करना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा टेन्योर हो, रशिया यूक्रेन के बीच में या फिर अब शांति की बातचीत करना ही क्यों ना हो, हर जगह पर अजीत डोभाल को आगे रखा जा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल अजीत डोभाल इंडिया के लिए निभा रहे हैं और आने वाले समय में भी निभाने वाले हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में कहा था कि वो शांति के खिलाफ नहीं है, वो संघर्ष को समाप्त करने के लिए ब्राजील, चीन और साथ साथ में भारत को संभावित मध्यस्थता के रूप में देखते हैं। अब यूक्रेन की अपनी यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूं तो यूक्रेन में शांति के प्रयासों पर चर्चा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ में भी टेलीफोन पर बातचीत की। अब जब एनएसए अजीत डोभाल को रूस मॉस्को भेजा जा रहा है तो साफ है कि लंबे वक्त से दुनिया की अर्थव्यवस्था की चले जो चूल्हे हिलाने की और हजारों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारने वाले युद्ध का अंत जल्द ही होने वाला है। और इस सब के बीच में अजीत डोभाल से उम्मीदें न केवल भारत को हैं बल्कि पूरे विश्व को हैं। सवाल है कि क्या वो तारीख अब बहुत जल्द आने वाली है जब इस युद्ध पर विराम लगेगा और इसके सूत्रधार बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सवाल बेहद अहम हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अजीत डोभाल के मॉस्को जाने की से बन जाएगी बात, यह भी सवाल है। क्या मोदी रूस और यूक्रेन के दौरे के बाद में युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा? क्या दोनों देशों के बीच में सीजफायर पर बात बन सकती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल लीडर की छवि का असर क्या रशिया यूक्रेन वॉर को बंद करने में, खत्म करने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा? दरअसल जो पुतिन कल तक इस युद्ध में यूक्रेन के खात्मे की बात कर रहे थे वो अब इस युद्ध को लेकर यूक्रेन से बातचीत करने को तैयार हो गए हैं। और ये सब अगर देखा जाए तो एक ही व्यक्ति विशेष यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से संभव हो पाया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने युद्ध को लेकर क्लियर स्टैंड लिया और साफ साफ कहा है कि रशिया और यूक्रेन जंग में भारत तटस्थ नहीं है, भारत शांति के पक्ष में है। बिना एक मिनट गवाए ज़ेलेंस्की और पुतिन को बातचीत की टेबल पर बैठना चाहिए, यानी कि भारत ने जंग पर तटस्थ रुख अपनाया है, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया भारत ने। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत कूटनीति और संवाद में विश्वास करता है। शांति का पैगाम लेकर यूक्रेन और रूस जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कदम को वैश्विक शांति को बढ़ावा देने में भूमिका निभाने की भारत की रणनीति के रूप में देखा गया है। अब दरअसल युद्ध बहुत दूर तक फैला है, इसने दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था पर संकट पैदा कर दिया है और लंबा समय भी हो गया है, 2 साल से ज्यादा। युद्ध ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में संकट पैदा कर दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उम्मीद है कि ये जल्द ही समाप्त हो जाएगा ताकि विश्व की अर्थव्यवस्था को और नुकसान ना हो। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वीं सदी की सबसे बड़ी रणभूमि बने, यूक्रेन से लौटे और शांत नहीं बैठे। कीव से लौटे पीएम नरेंद्र मोदी ने 27 अगस्त को रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत करी और लंबी बातचीत हुई है यूक्रेन के दौरे के बाद में पुतिन के साथ में। 2 महीने में दूसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन और रूस की युद्ध पर, यह दूसरी बार था जब पुतिन के साथ में लंबी चर्चा यहां पर की गई थी। और इस बीच बातचीत दोनों की फोन पर होती है, पुतिन को कॉल जाता है 27 अगस्त को और 26 अगस्त को बाइडेन से बातचीत होती है। बाइडेन से बातचीत में क्या कुछ हुआ और पुतिन से बातचीत में क्या कुछ हुआ ये आपको बता रहे हैं। पुतिन को कॉल करने से एक दिन पहले यानी कि 26 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की थी। बातचीत के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि भारत शांति के पक्ष में है,
क्योंकि यूक्रेन को युद्ध में अगर वेपन सप्लाई करने की बात हो तो अमेरिका शुरू से सामने रहा है। तो प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया कि भारत शांति के पक्ष में है। दुनिया जानती है कि जब तक अमेरिका और पश्चिमी देशों से यूक्रेन युद्ध में बारूद और हथियार आने खत्म नहीं हो जाते हैं या फिर जब तक रूस की यूक्रेन पर मिसाइलें बरसनी बंद नहीं हो जाएंगी, जब तक दोनों नेता जेलेंस्की और पुतिन बातचीत की टेबल पर बैठकर इस युद्ध को रोकने के लिए समाधान नहीं निकालेंगे, तब तक यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध नहीं रुक पाएगा। क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी जिस बुद्ध की धरती से शांति का संदेश लेकर दोनों नेताओं से मिले, ऐसी कोशिश अब तक किसी ने भी नहीं की, किसी भी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा नहीं की गई है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से दुनिया हसरत भरी निगाहों से भारत को देख रही है। उस शांति दूत के रूप में पूरी दुनिया देख रही है। ऐसा कैसे हो रहा है ये भी आपको कुछ पॉइंटर्स के जरिए समझाते हैं। ग्लोबल लीडर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनसे ये उम्मीदें जताई जा रही है कि वो शांति का पैगाम लेकर पहुंच सकते हैं। ग्लोबल लीडर है, शांति दूत की भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर निभा रहे हैं और आने वाले समय में उनकी इमेज में और भी ज्यादा, उनके कद में और भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। रूस से करीबी संबंध है, यूक्रेन से कूटनीतिक और करीबी जुड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, भारत का है। ऐसे में यूरोप से भी मजबूत रिश्ते प्रधानमंत्री के हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत वो देश और वो नेता जो कि युद्ध विराम की उम्मीद जताई जा रही है कि इनके द्वारा युद्ध विराम हो सकता है, क्योंकि जो देश इन देशों को, दोनों देशों को वेपन सप्लाई कर रहे हैं, उनके साथ भी भारत एक अच्छी रिलेशन शेयर करता है और इन दोनों देशों के साथ में जो कि जंग के मैदान में आमने सामने खड़े हैं, उनके साथ में भी भारत की एक अच्छी इमेज और एक अच्छा रिश्ता है। इसी वजह से ये उम्मीदें जताई जा रही हैं कि दोनों देशों के बीच में युद्ध को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की एक अहम भूमिका हो सकती है। ग्लोबल लीडर है पीएम नरेंद्र मोदी, शांति दूत की भूमिका निभा सकते हैं, रूस से करीबी संबंध है, यूक्रेन से कूटनीतिक जुड़ाव है, यूरोप से मजबूत रिश्ते हैं, युद्ध विराम की उम्मीदें इसलिए जताई जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच में इस जंग को 2.5 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी पिछले महीने 8 जुलाई को रशिया पहुंचे थे और अब करीबन 45 दिन के बाद में, यानी कि 6 हफ्ते के बाद में पीएम नरेंद्र मोदी कीव पहुंचे थे। 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी बार जेलेंस्की के साथ में मुलाकात करते हुए नजर आए। इस मुलाकात के मायने भी खास हैं। जो हल रूस और यूक्रेन नहीं निकाल सके वो रूस यूक्रेन के दौरे ने कर दिया। रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर बातचीत में गुट निरपेक्षता विरासत को आगे बढ़ाने का मौका है, वैश्विक शांति और साथ साथ में नम्रता बनाने का अवसर है, तनाव के बीच में संबंध संतुलन की कवायद है। दुनिया की भारत को कूटनीतिक बढ़त यहां पर मिल सकती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी कई अहम बातें यहां पर की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस यूक्रेन दौरे से दुनिया को उम्मीदें हैं कि रशिया के साथ चल रहा युद्ध कोई भी बंद करा सकता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ खास कहा। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा से शांति के पक्षधर रहे हैं। वो साफ कर चुके हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है, युद्ध के मैदान में समाधान नहीं ढूंढा जा सकता है। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत की कूटनीति से दोनों देशों में जो युद्ध चल रहा है 2 साल से ज्यादा समय में, उसका हल निकल पाएगा। और इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी का साफ संदेश यहां पर है कि डिप्लोमेसी और डायलॉग से ही समाधान हो सकता है। भारत इकलौता देश है जिसके रूस और यूक्रेन दोनों देशों के साथ में अच्छे संबंध है। अब रूस के साथ में आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक रिश्ते भारत साझा करता है, वहीं यूक्रेन के साथ में गहरा कूटनीतिक जुड़ाव भारत का शुरू से रहा है। भारत की आर्थिक मजबूती पर दुनिया की नजरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य एजेंडे में भी युद्ध क्यों है ये भी अब आपको समझा देते हैं कि आखिरकार युद्ध को सुलझाना एक अहम मुद्दा प्रधानमंत्री के लिए क्यों है, मुख्य एजेंडा क्यों है। तो देखिए, युद्ध विराम आर्थिक, कूटनीतिक, सामरिक लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत ने रशिया और यूक्रेन के संघर्ष को हल करने के लिए एनएसए अजीत डोभाल को भेजने का जो फैसला लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांति के पक्षधर हैं और डोभाल की मॉस्को की यात्रा इसी दिशा में एक कदम है। इसी हफ्ते हो सकता है अजीत डोभाल मॉस्को में पहुंचे और युद्ध विराम जो कि एक मुख्य एजेंडा भारत के लिए है, उसके ऊपर चर्चा करें। आर्थिक तौर पर भी दोनों देशों की मजबूती और अच्छे संबंध बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को इसके तहत संकट झेलना पड़ रहा है।
कूटनीतिक लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कद है वो आने वाले समय में और बढ़ेगा अगर यहां पर एक अहम भूमिका, एक मीडिएटर की भूमिका भारत निभा पाता है। सामरिक लिहाज से भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में एक बड़े लीडर के तौर पर विश्व में एक अलग छाप छोड़ सकते हैं।